धम्मपद गाथा नंबर 23, अपमाद वग्गो या अपमाद वग्ग। ये धम्मपद की 23 नंबर की गाथा है, जो इस प्रकार है। ते झाइनो साततिका निच्चंग दड़हप परक्कमा फुस्संति धीरा निब्बानंग युगक्षेमंग अनुत्तरंग। इसमें जो ते है, ते का मतलब है वे। ते जो होता है, ते माने होता है वह, और ते माने होता है वे। झाइनो साततिका, झाइनो जो बना हुआ है, ये शब्द है झान से। झान जो संस्कारित होने के बाद में, यानी पाली में इसको झान बोलते हैं, और संस्कारित भाषा में या आज की भाषा में हिंदी में इसको ध्यान बोलते हैं। झाइनो का मतलब है ध्यान करने वाला। सा ततिका, सा ततिका जो शब्द है या शब्द है, ये सतत से बना हुआ है। सतत आज की भाषा में बोलते हैं, सतत माने निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअस, यानी कि जो लगातार काम करता है, सतत, बिना रुके। निच्चंग दढ़ परक्कमा, निच्चंग माने होता है जो नीच से बना हुआ है, नित्य से बना हुआ है, जो परमानेंट होता है उसको नित्य बोलते हैं, निच्च बोलते हैं। निच्चंग पढ़े दढ़े परक्कमा, दढ़े परक्कमा का मतलब है, दढ़े माने होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दढ़े माने होता है दृढ़, और परक्रमा माने होता है जो पराक्रम करता है। फुस्संति धीरा निब्बानंग, फुस्संति का जो शब्द अर्थ है यहां पर, फुस्संति माने होता है छूना, स्पर्श करना को फुस्संति बोलते हैं पाली के अंदर, अगर टच करते हैं तो। फुस्संति माने छूता है। निब्बानंग माने निर्वाण को, जो परम ज्ञान है, परम धम की जो सबसे हायर स्टेज है, उसको निब्बानंग बोलते हैं, निर्वाण इसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं। और धीरा जो शब्द है, धीरा का मतलब है यहाँ पर बुद्धिमान। जैसे मेरा नाम है सुधीर, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका जो कीवर्ड है वो है धी। धी माने होता है बुद्धिमान, इनको धीमंतु भी बोलते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोग धीमंत लिखते हैं, या धीमान लिखते हैं, या धीमंतु है, ये धीमंतु से बना हुआ है। धी माने बुद्धि, और मंतु माने वाला, यानी बुद्धि वाला। और मेरा नाम जो सुधीर है, इसका मतलब है सु माने अच्छा, और धी माने बुद्धि, यानी कि अच्छी बुद्धि वाला। तो यहाँ धीरा का मतलब है बुद्धिमान, और निब्बानंग का मतलब है जो परम ज्ञान को प्राप्त करता है, या परम ज्ञान का नाम है। योगक्षेमंग अनुत्तरंग, योगक्षेमंग अनुत्तरंग, योग योगक्षेमंग, मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी जो मथुरा के नाम से बनाई थी, जिसमें विज्यवासन के नाम से थी, यानी ब्रिजवासन, ब्रिजवासी के नाम से, और एक गोरखा के नाम से, उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने गोरखा वाली में बताया है कि योगक्षेम जो शब्द है, पाली का शब्द है, योग प्लस खेम। खेम माने होता है शांति करना, या शांत होना, या बुझना, या उसको ठंडा होना। और योग माने होता है संबंध, या आसक्ति, या अटैचमेंट, यानी जब कोई चीज़ अटैच होती है, जुड़ती है, आज की भाषा में उसको योग वैसे बोलते हैं, जैसे दो जमा दो कहा, या दो योग दो कहा, तो दोनों जुड़ गए आपस में, उनकी आसक्ति हो गई, तो वो चार हो गया। ये मैथमेटिक्स में हम इसको बोलते हैं। और अगर इसको हम उस भाषा में कहें जो धम्म की भाषा में, तो इसका मतलब है आसक्ति होना, किसी से जुड़ना, या किसी से अटैच होना। और योगक्षेम का मतलब है कि अटैच से मुक्ति, अटैचमेंट से आसक्ति, या आसक्ति से जो शांति होती है, उसको बोलते हैं योगक्षेम। अनुत्तरंग का मतलब है, ए अनुत्तरंग का मतलब है अनुत्तर, यानी कि जिसका उत्तर ना हो, जो सबसे बढ़िया हो, कहते हैं इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं है, उसको अनुत्तर बोलते हैं। इसका बहुत सिंपल सा सीधा सा इस गाथा का अर्थ है। ये गाथा जो कथा है सामावती की और मार्कंडेय की, उसकी आखिरी कथा है, आखिरी इसकी गाथा है उस कथा की, जिसके अनुसार भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि जो व्यक्ति तेज हायनो सातिका निच्चंग दढ़ परक्मा, यानी वे जो ध्यान लगाते हैं लगातार,
और पराक्रम करते हैं, दृढ़ पराक्रम करते हैं लगातार। फुस्सती धीरा निब्बानंग, वो टच करते हैं, प्राप्त करते हैं बुद्धिमान किसको, निब्बान को प्राप्त करते हैं। योगक्षेम अनुतरंग, और उनकी जितनी भी आसक्ति है वो शांत हो जाती है और इसका कोई जवाब नहीं है, यानी कि वो सर्वश्रेष्ठ जो उनकी स्थिति है उसको वो प्राप्त करते हैं। जो लोग निरंतर लगातार ध्यान से प्रक्रमा से, यानी कि जो पराक्रमी होते हैं दृढ़ निश्चय के साथ जो लोग ध्यान लगाते हैं, वो लोग निब्बान को प्राप्त करते हैं और इस निब्बान का कोई जवाब नहीं है। ये इस जो अपमाद भगो की पहली कथा है उसकी आखिरी गाथा है। धन्यवाद।